all is not good between Ankita and Naren in the show Pavitra Rishta. Ankita is not able to bring purity in their relationship. She insists Naren again and again to go to Pari. What is the reason behind Ankita's motive? Is she not in love with Naren or not attached to him till now? मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब बहुत हो गया, मुझे भी किसी की अड़ी नहीं है, तो जा तू अपने परी के पास और मुझे भी खुश रहने दे और खुद भी रहे. मैंने डिसाइड कर लिया और मैंने बोल दिया परी को अपने ऊपर फालतू के झूठे इल्ज़ाम लगाकर कि मैं तो ऐसी हूँ एज यूजुअल, जैसे मैंने बहुत बार पहले भी किया है, इस बार भी कर दिया. मैंने दे दिया परी को नरेंद्र को, जा मैं तो नॉर्मल हूँ यार और मैं खूबसूरत भी हूँ, तो मुझे तो कोई भी मिल जाता, मेरे को क्या ज़रूरत थी इस पागल इंसान से शादी करने की, कर ली बस पैसों के लिए. और एक्चुअली देखा जाए तो मुझे कोई अड़ी नहीं थी, मैंने पैसों के लिए ही शादी की थी, थोड़ी तो प्यार हो गया गलती से, बस माँ की आँख. मेरे को एंड में जुड़ा रही है ना परी के साथ, तो फिर ये इसलिए सह रहा है, ये सब कुछ सह रहा है. ठीक है, बोल दे कुछ जितना बोलना है, बट मैं बस परी के साथ रहना चाहता हूँ. एक्चुअली उसने बोला भी है कि इस दुनिया से ही चली जाओ, ये तो इतना बुरा वाया, देख लो आप लोग, आज तक मेरे मानव ने तक मुझे नहीं बोला था कि कौन है ये. भय जाता हूँ मैं सीन में थोड़ा ज़्यादा, बोलते जाओ दुनिया से भी चली जाओ. ओह शिट, मैं बिल्कुल भी इस पे डिपेंड नहीं होना चाहती लाइफ में. मैं इसलिए इतना भाग दौड़ कर रही हूँ और इतना कुछ कर रही हूँ क्योंकि जस्ट आई लव हिम, दिस इज़ द रीज़न, एंड अदरवाइज मेरे को इसके पैसों से और ना मुझे अपनी कोई फिक्र है बच्चे की. मैं अपना बच्चा खुद पैदा करूँगी और खुद संभालूंगी. Will Naren agree to Ankita's demands? To know more about this, keep watching India Forums. Hi, this is Harshad Arora. Keep watching India Forums and do subscribe for WhatsApp TV.